सबसे पहले तो आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के व्लॉग में मैं आपको परिचित कराने जा रही हूँ रोहडू की सबसे पुरानी इमारत से, जिसे लंबू अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में बनी ये इमारत आज के युग में भी उसी शान से अपनी जगह पर कायम है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सो सबसे पहले तो आप मेरे बैकग्राउंड में व्यू देख सकते हो, ये रोहडू का व्यू है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और साथ ही साथ मैं आज राम मंदिर में आई हूँ जो कि रोहडू में ही है और ये दिशानली गांव में पड़ता है। तो मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, फिर मैंने सोचा मैं अपने जो हमारे स्थानीय देवता महाराज हैं, मैं मंदिर गई और मैंने देवता महाराज के दर्शन किए। आप आगे क्लिप में देख सकते हो। और बाकी अभी हम अंदर मंदिर में जाएंगे, आप देख सकते हो कितना सुंदर मंदिर है। तो ये है हमारे देवता जी के मंदिर का मेन गेट। और जो आपको ये सामने दिख रहा है, इसको हम थानी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे देवता महाराज बैठते हैं, जब भी देवता जी का कुछ फंक्शन होता है तो यहाँ पर बैठते हैं। ये देवता महाराज का नया मंदिर अभी बन रहा है। और अगर आपको मेरे अगले ब्लॉग में मंदिर से रिलेटेड कुछ भी देखना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जैसे कि आपको पता है, हम देवभूमि हिमाचल से हैं तो हम अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, स्पेशली हम देवी देवताओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये रोहडू का गर्ल्स स्कूल है, यहाँ पर 6 to 10 क्लासेस लगती हैं और 11 to 12 जो क्लासेस लगती है वो दूसरा स्कूल है, वो कहीं और बना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। ये राम मंदिर से ऊपर काली माता का मंदिर है और यहाँ पर हमारे देवता जी बैठते हैं, जब भी उनका आना जाना यहाँ पर होता है। तो ये ऊपर से राम मंदिर का दृश्य है, इसमें चारों ओर से छत लगी है और ये बीच से खाली है।
था और यहाँ पे पहले स्कूल था और मेरे जो मम्मी पापा है वो भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर है ये। ये रोड़ू क्षेत्र का प्रसिद्ध स्कूल हुआ करता था और यहाँ पर आपको जो कमरे दिख रहे हैं इसमें क्लासेस लगती थी। और यहाँ से बाहर का दृश्य कुछ इस प्रकार से है। अभी यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ लग चुकी थी। इसकी प्रसिद्धि का कारण एक यह भी है कि ये मंदिर होने के साथ साथ एक स्कूल भी था। तो अभी हम यहाँ पे राम भगवान जी के मंदिर में बैठे हैं और अभी हम भैया से पूछेंगे कि इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है, इतिहास के बारे में हमें थोड़ा बताओ। ये राम मंदिर जो बना है ये 1921 में राजा पद्म सिंह जी ने तुलसीदास जी के लिए बनवाया था, जिसे कि लंबो अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये राम मंदिर की जो प्रतिमा है, ये जो शिलाएँ हैं इसमें अंदर आप देख सकते हैं राम भगवान जी और लक्ष्मण जी और सीता माता जी की तीन प्रतिमाएँ इसमें स्थापित की गई है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं आपके बैक साइड में वहाँ पर भी हनुमान जी की शिला और एक माता की शिला और एक शिव भगवान जी की जो एक प्रसन्न मूर्ति है उसकी स्थापना की गई। तो अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप इस बारे में दो कि ये मंदिर कहाँ पे स्थित है। ये जो राम मंदिर है ये राम मंदिर लंबो अखाड़ा रोड़ू के दिशानी में स्थित है। दिशानी नामक एक गाँव है हमारा, यहाँ पर ये स्थित है राम मंदिर। और ये जो राम मंदिर है ये बासे के नाम से भी यहाँ जाना जाता है, जो हमारे पांच बासे हैं रोहड़ू के, जिसमें कि एक बासा यही है आप देख सकते हैं, इसको बासा कहते हैं। जो ये बना है राजाओं के टाइम से बना है, तकरीबन 100 से 120 साल पुराना हुआ है। जो खड़ा है एक दिशानी में है, एक बंसोली में है, खमटाड़ी में, मांडली में और रोहड़ू में, ये पाँच बासे हुआ करते थे, इसी को हम पांच भाषा कहते हैं। तो हर दिन हर त्यौहार में यहाँ लोग आते हैं। बढ़िया गांव में यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है इसी राम मंदिर में। रामनवमी के दिन यहाँ पर कम से कम हज़ारों लोगों को भंडारा दिया जाता है, जो कि हमारे गांव की ओर से सभी यहाँ पर योगदान करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस पे कुछ लिखा गया है, तो अभी हम भैया से पूछेंगे कि इसमें किस बारे में लिखा गया है। इसमें इस मंदिर के जो शिला रखी गई थी पहली मंदिर बनने की, जो पत्थर रखा गया था, तो वो रखा गया था, इसमें लिखा है फाउंडेशन स्टोन लेग बाय मंत सुदर्शन दास। जो सुदर्शन दास जी थे उनकी मेमोरी में, उनकी याद में, उनके रिस्पेक्टेड गुरु मंत तुलसीदास रीजन ऑफ श्री, जो 108वें हमारे महाराजा थे बुशहर रियासत के, महाराजा पद्म सिंह जी, उन्होंने ये उनकी याद में 1921 में इसका मंदिर बन के जो ये तैयार हुआ था। जबकि इसकी जो आपकी पत्थर रखा गया था वो तकरीबन 10-15 साल पहले ही रखा गया था, 1921 में तो ये मंदिर बन के तैयार हुआ है। और आप इसमें देख सकते हैं नीचे को दूसरी भाषा में लिखा गया है, ये भी इसी के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। तो अभी हम मंदिर में ही हैं
अभी हम घर जा रहे थे, बट बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि अब घर भी जाना मुश्किल है। आप देख सकते हो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और फिलहाल अभी हम यहीं वेट करेंगे, थोड़ी बारिश अगर कम होगी फिर हम घर की ओर निकलेंगे। बाकी आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा।